सो अपने पास बड़ा बड़ा लिख के लगा लें दैट इट्स ओके टू हैव नेगेटिव थॉट्स, राइट? नेगेटिव थॉट्स होना, नेगेटिव सोचना, इट्स परफेक्टली फाइन. इट्स अ नेचुरल थिंग जो कि हर इंसान जो है उसको कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर करता है, रोज़मर्रा भी एक्सपीरियंस करता है. देर आर मैनी टाइम्स इन अ डे जिसमें हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन. सो कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप इस दुनिया में मौजूद है और इट्स यूज़लेस, राइट? उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है. एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न. सो नेगेटिव थॉट्स जो है उसकी रीज़न ये है कि वो हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो दिखाते हैं. मैटर ये नहीं करता कि आपने सारा दिन में कितने नेगेटिव थॉट्स जो है वो आपको आए. मैटर ये करता है कि वो जो सारे थॉट्स हैं जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं उनसे आपने सीखा क्या है, उसको आपने उससे आपने डील कैसे किया है, उसको आपने ओवरकम कैसे किया है. दिस इज़ द थिंग दैट मैटर्स. सो इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए बिकॉज़ नेगेटिव थॉट जो है वो हमें बहुत सारी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो दे रहे होते हैं, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें जो हिडन होती हैं जो हमें नहीं पता होती, लाइक इफ़ आई एम डूइंग समथिंग व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड इट, और इफ़ आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग इट वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. इज़ इट सम फियर, इज़ इट सम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इज़ इट समथिंग दैट इज़ होल्डिंग मी बैक, राइट? सो वो इन्फॉर्मेशन हमारे नेगेटिव थाट्स जो है वो हमें देते हैं. अगर हम अपने उन थाट्स पर फोकस करें दैट वॉट आई एम एक्चुअली थिंकिंग, वॉट दिस थाट इज़, जस्ट टेक इट एज अ मैसेज दैट वॉट मैसेज इट वॉन्ट्स टू गिव मी, देन यूल कम टू नो द प्रॉब्लम यू एक्चुअली हैव, एंड देन बाई वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम यू कैन गेट द सोल्यूशन, राइट? यू कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम. सो जस्ट एक्नॉलेज दैट द वे इट इज़ एंड डू नॉट पुट लेबल ऑन इट कि ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है. सो जस्ट टेक इट एज अ थाट. इट्स जस्ट आ थाट, राइट? इट्स जस्ट आ मैसेज एंड इट इज़ देयर टू कम्युनिकेट विद यू, टू टेल यू एनी थिंग गुड अबाउट इट एंड टू टेल यू एनी थिंग यू नो यू नीड टू पुट योर फोकस ऑन.